नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 13 अप्रैल 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज की प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो अपडेट है वो यूपी पीसीएस रिजल्ट को लेकर के। यूपी पीसीएस 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसमें 476 नए पीसीएस अफसर मिल गए हैं। दिल्ली की रहने वाली संचिता इसमें टॉपर है, प्रथम स्थान इनको मिला है। ठीक है, ये रिजल्ट आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से चेक कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल वहां पर अवेलेबल है। दोस्तों इस रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो यहां पर कई सारे नए रिकॉर्ड बने हैं। देखिए लिखा है पीसीएस 2020 की परीक्षा ने कई रिकॉर्ड बनाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6 माह में ये भर्ती पूरी की। 54 दिनों में मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। 8 दिनों में इंटरव्यू करवाया गया और साक्षात्कार पूरा होने के 4वें दिन अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में ये सब पहली बार हुआ है। आयोग की परीक्षाएं पटरी से पूरी तरीके से उतर गई थी, लेकिन पीसीएस 2020 के अंतिम चयन परिणाम के साथ ही आयोग ने सभी प्रमुख परीक्षाओं के परिणाम समय से घोषित करते हुए परीक्षाओं को पटरी पर ला दिया। पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल 11 अक्टूबर को 19 जिलों में 82 केंद्रों पर करवाई गई थी और इसका जो परिणाम है फिलहाल कल जारी कर दिया गया है और इसमें छुट्टी के दिन भी साक्षात्कार लिए गए हैं। और इसमें बात कर लेते हैं तो CDPO के सर्वाधिक 94 पदों पर चयन हुआ है। इस बार डिप्टी SP का कोई पद नहीं था, डिप्टी कलेक्टर के 61 पदों का चयन हुआ है। हालांकि इस भर्ती परीक्षा की कट ऑफ वगैरह जारी नहीं की गई, जबकि आयोग को जारी करना चाहिए, लेकिन आयोग की ऐसी पॉलिसी है कि कट ऑफ और प्राप्तांक ये सारी चीज़ें अभी जारी नहीं करता, ये सब बाद में जारी किएगा। परिणाम संशोधन को लेकर के इसमें विरोध भी काफ़ी तेज हुआ था, घिरा था आयोग, लेकिन सारी चीज़ें सब नॉर्मल होते हुए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से सीटें खाली चली गई हैं। पीसीएस 2020 में 11 सीटें खाली गई हैं। तो यहाँ पर अपडेट आई हुई कि तो क्या यूपी में है मेधावियों की कमी। लोक सेवा आयोग की मुख्यतः जो भी भर्ती परीक्षा होती है उसमें अधिकतर जो है भर्तियों की सीटें खाली जाती हैं। पीसीएस में 11 सीटें खाली गई हैं, आरओ एआरओ में भी सीटें खाली गई थी, इंजीनियरिंग सेवा में भी खाली गई थी। अगर LT ग्रेड की बात कर लेते हैं तो LT ग्रेड में भी देखो कंप्यूटर के विज्ञान की तो लगभग बहुत ही कम पद भर पाए थे, 35 पद ही भर पाए थे, बाकी सब खाली चली गई थी। तो ये खाली पद क्यों जा रहे हैं, क्या यूपी में मेधावियों की कमी है, इस पर अलग अलग अभ्यर्थियों ने क्या कमेंट किया हुआ है वो देखिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के छात्र नेता हैं अवनीश पांडे, उनका कहना है कि आयोग की कई चरणीय परीक्षा प्रणाली में कोई भी अभ्यर्थी अर्हता मानक पूरा करके ही अंतिम चयन परीक्षा तक जाता है, ऐसे में आयोग को भर्तियों को भरना चाहिए। आयोग अपनी सुचिता प्रदर्शित करने है तो सीटों को रिक्त दिखा रहा है, जो कि उचित नहीं है, अवनीश पांडे का कहना है। वहीं पर सिविल सेवा कोच के नवीन पंकज जी कहते हैं कि जब से नए अध्यक्ष आए तब से पदों के ना भरने की परंपरा शुरू हुई है। जिन भर्तियों में आयोग कट ऑफ लगा रहा है उसमें उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण पद खाली रह जाना विरोधाभासी है। आयोग को योग्यता के मानक पर स्वायत्त पत्र जारी करना चाहिए। अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया कि आयोग सुचिता प्रदर्शित करने के लिए कि हाँ हम बहुत साफ सुथरे हैं, कोई धांधली वगैरह नहीं होती, इस तरीके से यहाँ पर सुचिता बनाए रखने के लिए जो जानबूझ करके रिक्त पद खाली कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आज की पीसीएस की अपडेट्स। बढ़ते हैं अगली अपडेट्स की तरफ। यहाँ पर अपडेट है LT ग्रेड को लेकर के। आप लोग जानते हैं LT ग्रेड हिंदी और सोशल प्रक्रिया काफ़ी समय से अटकी हुई है, अब क्या किया जाए। तो कल बहुत सारे अभ्यर्थी जो निदेशालय गए थे, लेकिन अंजना जो गोयल मैम है वो निदेशालय पर नहीं थी, इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। जो LT की लीगल टीम है, जो प्रतियोगी मोर्चा के अभ्यर्थी हैं, वो एक बार पुनः आज जाएंगे। आज 11 बजे की बजाय 10:30 बजे शिक्षा निदेशालय जाने का निर्णय लिया है और उनसे दो टूक वार्ता की जाए कि आखिर यहाँ पर विलंब क्यों हो रहा है। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि अभी भी लोक सेवा आयोग ने जो संशोधित सॉफ्ट कॉपी है वो नहीं भेजी है, यही पूरा मामला इस वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी
इसमें मामला है उसको लेकर के आज सीधे दो टूक वार्ता होगी अंजना गोयल जी से, और पूछा जाएगा कि आखिर क्यों इसमें हिंदी सोशल साइंस की ज्वाइनिंग में विलंब हो रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है लोक सेवा सॉरी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड TGT PGT को लेकर के लिखा है, नया सर्वर एक्टिवेट होने पर दूर हो जाएगी ऑनलाइन आवेदन में आ रही समस्या। कुछ दिन पहले ही परसों ही शायद मैंने आपको अपडेट किया था कि चयन बोर्ड ने अपना खुद का सर्वर खरीदा है। खुद का सर्वर को खरीदने के बाद उसको एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बीच में सैटरडे संडे छुट्टियाँ भी थी, तो इस वजह से इसमें जो आवेदन में समस्या आ रही थी वो बताया गया कि 48 से 72 घंटे में दूर हो जाएगा। और इसमें ये बात कही गई थी आज मंगलवार से सर्वर एक्टिवेट होने की संभावना है। ठीक है, तो आज मंगलवार, आज उम्मीद है कि आज शाम तक सर्वर की जो समस्या है सॉल्व हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से फॉर्म भर पाएंगे। वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्राई किया मोबाइल से वेबसाइट को खोलने की, तो यहाँ पर देखिए 7:35 का ये स्क्रीनशॉट है। इस समय जब वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग लगभग 8 बज रहे हैं, कुछ ही देर पहले का स्क्रीनशॉट है। फॉर्म खुल रहा है, हालांकि प्रोसेसिंग ज़रूर स्लो है, लेकिन फॉर्म पूरी तरीके से देखिए यहाँ पर खुल रहा है, फॉर्म खुलने में कोई भी समस्या नहीं है। आप लोग भी प्रयास करते रहिएगा और अपना फॉर्म भरते रहिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ जाएँ कि जब बिल्कुल प्रॉपर साइट चलेगी तभी हम फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अगली अपडेट है प्रसिद्धि स्कूलों को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण जो कॉलेज हैं, जो स्कूल हैं, मतलब 1 से 12 तक के जो स्कूल हैं, वो फिलहाल 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। लेकिन बेसिक शिक्षा की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे 30 अप्रैल तक, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों को अनुरूप से स्कूल आना होगा। हालांकि यहाँ पर 30 मार्च लिखा है, यहाँ पर 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए और जो शिक्षक हैं उनको स्कूल जाना होगा। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सोमवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बघेल के अनुसार सभी परिषद एवं सहायता प्राप्त स्कूल 30 अप्रैल तक विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे, पर स्कूलों में हाउस होल्ड सर्वे, बच्चों के नामांकन, मिड डे मील के अनाज व परिवर्तन राशि का भुगतान, पाठ्य पुस्तक वितरण, शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, मिशन प्रेरणा और ऑपरेशन कायाकल्प यूडाइस प्लस की गतिविधियों के लिए शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। ठीक है, वहीं पर देखिए लिखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई के इंतजाम नहीं, स्कूलों में अभी तक कोई नहीं हो पाई व्यवस्था, छात्रों को होगी मुश्किल। स्कूल कॉलेज बंद है लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं, पढ़ाई ही प्रभावित हो रही है। अगर सरकार कोई चीज़ें बंद करनी चाहिए तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई पर भी पूरा मतलब जो सेटअप है वह सारी चीज़ें वो मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि बहुत से ग्रामीण इलाकों में बच्चे हैं जो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो स्मार्टफोन खरीद करके इंटरनेट लगवा करके पढ़ाई करवा पाएँ। और बहुत सारे विद्यालयों में भी ऑनलाइन पढ़ाई की कोई भी व्यवस्था नहीं, सिर्फ आदेश जारी कर दिए जाते हैं, स्कूलों में कोई भी सेटअप वगैरह नहीं होता है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। जबकि जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, वहाँ से भी ऑनलाइन पढ़ाई होती है। मतदान ड्यूटी को लेकर के यहाँ पर मांग रखी गई कि मतदान ड्यूटी में मृत्यु पर 50 लाख मुआवजा दे सरकार। उत्तर प्रदेश दूरस्थ BTC संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान दलों के प्रशिक्षण में COVID-19 गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, इससे मतदान दल कर्मियों में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से मतदान ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिजन को 50 लाख रुपए और शारीरिक क्षति होने पर 25 लाख मुआवजा देने की मांग की है, और साथ ही प्रशिक्षण स्थल पर जो है वो मतदान कर्मियों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। SSC की बात कर लेते हैं। SSC फेजेड स्नातक स्तरीय परीक्षा में 13,479 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, तो ये रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के अपडेट आया हुआ कि स्थगित परीक्षाएं 30 से करवाई जाएंगी। परीक्षाओं के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिर्फ तिथि बदलेगी। ठीक है, तो यहाँ की जो परीक्षाएँ थी फिलहाल वो रोक दी गई थी, अब ये परीक्षाएं जो हैं वो 30 के बाद करवाई जाएंगी, इसमें से क्रम नहीं बदलेगा और बाकी की डेट सिर्फ बदली जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।